नमस्ते एंड वेलकम टू रिद्धिमास किचन। आज मैं आपके साथ जलेबी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जलेबी की रेसिपी शेयर करने के लिए मुझे काफी सब्सक्राइबर्स ने बोला था, तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जलेबी देखने में जितनी मुश्किल लगती है, असल में बनानी उतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप घर पे ही परफेक्ट जलेबी बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियो। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप मैदा ले लेंगे। अब हम एक विस्क ले लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसके लिए हाथ का भी यूज कर सकते हैं। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें ऑलरेडी आधा कप पानी डाल दिया था, अब मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। बस इसे हमें लंप फ्री बनाना है, गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा स्मूथ बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम फ्लोई होनी चाहिए। अब हम इस बैटर को ढक देंगे और इसे ऐसे ही ढककर 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने देंगे। आगे का स्टेप अब हम कल करेंगे। अगर आप फर्मेंटेशन वाला स्टेप स्किप करना चाहते हैं और इंस्टेंटली बनाना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे इसमें आधा चम्मच इनो डाल सकते हैं और इनो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। मैं इसे 24 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ, मतलब कि हम जैसे ट्रेडिशनल जलेबी बनाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। इसे फर्मेंट होने के लिए रखने से पहले हम साइड्स को अच्छे से स्क्रेप कर लेंगे और फिर इसे फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। अब हम इसे ढककर 24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं, बस हमें बिल्कुल यही चाहिए। अब हम इसमें 2 से 3 बूंदे नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम अच्छी जलेबी टेस्ट करते हैं ना, उसमें खट्टापन जरूर होता है। हमें इस जलेबी में भी हल्का सा खट्टापन ऐड करना है और आधा चम्मच देसी घी भी डाल देंगे। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से विस्क करना है। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से विस्क करना है। विस्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विस्क नहीं है ना, तो आप इसमें हाथ से भी अच्छे से हवा भर सकते हैं। बस हमें एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है और हाथ से हवा भी एक ही हाथ से भरनी है, नहीं तो जो भी आपने एयर फिल करी होगी वो पूरी निकल जाएगी। अब हम कढ़ाई या पैन ले लेंगे और इसमें 1.5 कप चीनी डाल देंगे। साथ ही अब हम इसमें 3/4 कप पानी डाल देंगे, थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। मैंने इसके लिए केसरी पाउडर यूज किया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। थोड़ा सा केसर डाल देंगे, केसर को मैंने थोड़े से पानी में डिप करके रख लिया था। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए चीनी पानी में अच्छे से मिल चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें 2 से 3 बूंदे नींबू के रस की डाल देंगे। नींबू का रस मिक्स करना बहुत जरूरी है, इससे हमारी चाशनी या जलेबी अगर ठंडी भी होगी तो उसपे चीनी के लेयर नहीं जमेगी। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम चेक कर लेंगे कि ये एक तार की बनी है या नहीं। इसे चम्मच में हल्का ठंडा कर लेंगे, इसे ऐसे हाथ पे लगा के देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक तार आ रही है, बिल्कुल हमें ऐसी चाशनी चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई लेते वक्त ध्यान ये रखेंगे कि कढ़ाई का बेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए। हमेशा फ्लैट बेस वाली कढ़ाई यूज करें। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं इसे देसी घी में ही बनाती हूँ। और फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। घी 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, साथ साथ हम अपना बैटर फेंट लेते हैं। मैंने बैटर को 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी बबल्स आ चुके हैं। फेंटना बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक ऐसी नोब वाली बॉटल ले लेंगे। आप चाहें तो इसे बॉटल में छेद करके भी बना सकते हैं। मैंने घेवर के टाइम पे बॉटल में छेद करने वाला प्रोसीजर भी बताया हुआ है, आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम ये पूरा बैटर इस बॉटल में फिल कर लेंगे। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। परफेक्ट जलेबी तभी बनेगी अगर बैटर एकदम से ऊपर नहीं आएगा। अभी हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें और बैटर डालते रहेंगे। बस हमें ऑयल इसमें कम ही डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट जलेबी बन के आ रही है।
हमें इसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसे ऐसे ही पकने देना और इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है। अब हम जलेबी को पलट लेंगे, बस चेक कर लें कि जलेबी जब ट्रांसलूसेंट हो जाए तभी उसकी साइड को चेंज करना है और फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है ताकि जलेबी अंदर तक अच्छे से पके। आप देख सकते हैं कि जो जलेबी पतली थी उस पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया। मुझे थोड़ी कुरकुरी जलेबी पसंद है इसलिए मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक पका रही हूँ और जो जो जलेबी रेडी होती जाएगी हम इसे चाशनी में डालते रहेंगे। जैसे कि ये जलेबी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डाल देंगे। तेल को अच्छे से छटक छटक के निकाल लेंगे। अब हम जलेबी को एक दो मिनट बाद ही चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। जब हमारा तेल ज्यादा गर्म हो जाएगा तो जलेबी ऐसे फैलने लगती है। हमें तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए, उसी में जलेबी अच्छी बनेगी। और अगर तेल ठंडा होगा तो जलेबी ऑयल एब्जॉर्ब करेगी, वो भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फ्लेम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं इसे फ्राई करने के लिए गैस का सबसे छोटा वाला बर्नर यूज कर रही हूँ और इसे भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब हम इस जलेबी को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ज्यादा कुरकुरी जलेबी नहीं पसंद तो आप इस पॉइंट पे भी जलेबी को बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जलेबी तभी बनेगी जब भी हम बैटर पोर करें तो जलेबी को धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। एकदम से ऊपर आएगी तो जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप एक बार में 3 से 4 जलेबी बनाएं, उससे ज्यादा नहीं बनाएं क्योंकि हैंडल करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसे पलटना तभी है जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। अच्छी जलेबी बनाने के लिए हमें कुछ ही टिप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि हमें कढ़ाई फ्लैट यूज करनी है और उसमें कम तेल डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है। फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम रखना है। कोशिश करें कि लो फ्लेम पे ही बनाएं, मीडियम फ्लेम पे भी तेल जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑयल जो है वो कम डाला हुआ है। और इसे फर्मेंट जरूर करना है, 24 घंटे फर्मेंट जरूर करना है। अगर आप फर्मेंट नहीं करना चाहते, इंस्टेंट जलेबी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें आधा चम्मच इनो यूज कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा नींबू यूज कर सकते हैं। देसी घी भी जरूर डालें और फर्मेंट होने के बाद 5 मिनट विस्क जरूर करना। अगर आप इनो यूज कर रहे हैं तो विस्क वाला पार्ट बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसमें आप फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट जलेबी के सैंपल्स भी रखे हैं। फर्स्ट जलेबी जो है ऐसी तब बनेगी जब आपका फ्लेम बहुत ही लो होगा, यानी कि तेल उतना गर्म नहीं होगा जितना हमें चाहिए। उसके बाद ये जलेबी तब होगी जब आपका बैटर बहुत ही फ्लोई होगा, तब ऐसे जलेबी टूटने लगेगी। ऐसा तब होगा जब फ्लेम बहुत हाई होगा और जलेबी जो है बर्न हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये है हमारी बिल्कुल परफेक्ट जलेबी। आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट उपी हुई है, अंदर तक अच्छे से पकी है और ये अच्छे से फूली भी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी काफ़ी जलेबी बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये रिजल्ट तभी आएगा जब आप बैटर को अच्छे से फर्मेंट करेंगे। तो हमें अब बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनानी है और उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने कम बैटर में कितनी सारी जलेबी बना ली है और अभी भी हमारा एक बैच चाशनी में डिप हो रहा है। हमने इतने से बैटर में आधा किलो से भी ज़्यादा जलेबी बना ली है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।